वो ऐसी कौन सी चीज है जो मर्द में तीन और औरत में चार? ना दिमाग काम नहीं कर रहा। कुछ तो काम कर रहा होगा। मर्दों का सवाल है। ऐसी चीज है जो मर्द के पास तीन और औरत के पास चार है? बीवी। हाँ बीवी तो मैं, औरतों के पास औरतों के पास बीवी नहीं होती। वैसे तो हर चीज मर्द में ही ज्यादा होती है, औरत में कम होती है। असली ज्यादा होती है औरत में। कपड़े। कपड़े औरत में तीन होते हैं, औरत में कपड़े होते हैं। औरत में कपड़े चार होते हैं तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। और आज मैं लेकर आने वाली हूँ आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जिसे देखकर सुनकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। जी हाँ, मैं करने वाली हूँ यहाँ पर फनी क्वेश्चंस और देखती हूँ यहाँ के लोगों का कॉमन सेंस, देखते हैं कि क्या क्या जवाब आने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड। और हाँ, जाते जाते आपको बता दूँ कि मेरा क्वेश्चन होगा कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मर्द में तीन और औरत में चार होती हैं। जी जनाब, जब तक मैं लोगों से पूछती हूँ आप लोग भी जो है अपने जहन में इसका जवाब सोचें, और तब तक हमें कॉमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब मैं चलती हूँ लोगों से सवाल करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद, मुझे ये बताओ कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मर्द में तीन और औरत में चार? मर्द में तीन, औरत में चार। ना दिमाग काम नहीं कर रहा। कुछ तो काम कर रहा होगा। मर्दों का सवाल है। मर्दों का सवाल है, मर्द में तीन औरत में चार। हाथ पांव भी धोए हैं सबके। मर्द में तीन औरत में चार। मर्द में तीन औरत में चार। हाँ हो सकता है। अरे आपने सारा मजा खराब कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। एक सवाल पूछूंगी, आप मुझे ये बताएं वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मर्द के पास तीन और औरत के पास चार है? मर्द के पास तीन, कौन सी चीज़ है जो मर्द के पास तीन और औरत के पास चार है? बीवी। हाँ बीवी तो मैं, औरतों के पास औरतों के पास बीवी नहीं होती। बताए बताए जोर डाल। वाकई बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है। अरे जो भी जहन में आ रहा है, वाकई इतनी इंटेलिजेंट लग रही है, बताए। मर्द के पास तीन और औरत के पास चार, नहीं मुझे नहीं आ रहा बिल्कुल। कुछ तो जहन में आ रहा होगा, अभी आपने बोला बीवी, इसी टाइप का कुछ और भी जहन में आ रहा। गाड़ियाँ। गाड़ियाँ मर्द के पास तीन होती हैं और औरत के पास चार होती हैं, मतलब औरत आगे चल रही है। आगे चल रही है। आगे चल रही है। हाँ सही है। गाड़ियाँ। और कुछ और कुछ सोचे सोचे। कपड़े। मर्द के पास सिर्फ तीन होते हैं। मर्द के पास वैसे बाकी कम होते हैं। औरत के पास सिर्फ चार होते हैं। चार नहीं होते लेकिन ज्यादा होते हैं, मतलब मर्द से ज्यादा होते हैं। यार मतलब मर्द की कितनी बेइज्जती कर रही है। और होता है, और होता है। जूते भी औरत मर्द के पास कम होते हैं। हाँ यार, आप कपड़ों जूते से बाहर आके मर। मर्द के पास क्या होता है यार तीन और चार, मुझे वाकई नहीं याद। मर्द के पास तीन और औरत के पास चार, मतलब पास नहीं, मर्द में तीन और औरत में चार। मर्द को खुद नहीं पता जो मूवी बना रहा है बेचारा कि उसके पास तीन क्या है। चले ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा यहाँ पर एक बच्ची भी मौजूद है, इससे भी बात करते हैं और देखते हैं कि इसका दिमाग कितना तेज चलता है। पहले ये बताओ कौन सी क्लास में? मैट्रिक में हो। अरे ये छोटी सी बच्ची मैट्रिक में है भाई, माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मर्द में तीन और औरत में चार? मर्द में तीन, हाँ अल्फाबेट। हाँ मतलब उर्दू में अल्फाबेट्स को जो भी कहते हैं वो। भाई सारों, मतलब कितने लोगों से पूछा नहीं आया। वाह भाई इंटेलिजेंट बच्ची, थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अज़हर। अज़हर, अज़हर मुझे ये बताओ कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मर्द में तीन और औरत में चार? मर्द में तीन और औरत में चार। अरे थोड़ा सोचो, तुमने तो सोचे बगैर ही मुंडी हिला दी। मर्द में तीन औरत में चार, नहीं पता। अरे कुछ तो सोचो, कुछ तो माइंड में आएगा। इतने सारे लोगों ने कुछ ना कुछ जवाब तो दिया ही, मर्दों की बेइज्जती हो जाएगी। मत करो, इज्जत का सवाल। नहीं जहन में नहीं आ रहा। अरे तो कुछ तो आ रहा होगा जहन में, मुझे पता है जहन में बहुत कुछ आ रहा है, बता नहीं रहा। मर्द में तीन औरत में चार। मर्द में तीन है, औरत में चार। वैसे तो हर चीज मर्द में ही ज्यादा होती है,
औरत में कम होती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जो ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल सोच के लें, आइडियाज के लें, मर्द में ज्यादा होते हैं। ज्यादा होती है तो यहाँ तो भाई कहानी उल्टी है ना, यहाँ तो मर्द में तीन है और औरत में चार है। अब ये सवाल ही उल्टा लग रहा मुझे। अच्छा मतलब आप मर्द में ही सारी चीजें ज्यादा हो सकती है, औरत में नहीं हो सकती? नहीं, औरत में भी होती है ऐसे, जो एक पतली ज्यादा होती है, पतली ज्यादा होती है औरत में। बस यही जवाब दे जी, और कुछ भी नहीं? नहीं और भी। आखिरी कोई जवाब? आखिरी जवाब बस और भी थी। ओके थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताया सबसे पहले तो आपका नाम क्या? शाहिद नाम। शाहिद मुझे ये बताएं, अभी आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो मर्द के पास तीन और औरत के पास चार है? औरत के पास चार। जोर डालें दिमाग पर, सोच रहा हूँ, मुश्किल लग रहा है। अरे कुछ तो आ रहा होगा माइंड में, जो भी जहन में आ रहा है जवाब दे दे। मर्द के पास तीन और औरत के पास चार। चार मर्द हर्फ 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 अल्फाज मतलब वर्ड्स ना। अरे क्या बात है, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेरी गुड वेरी गुड। पहले से पता था क्या? नहीं सोच रहा। क्या बात है, तो वाकई सही निकला। चले जी थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? काशिफ। काशिफ मुझे ये बताएं कि बादाम खाते हो? फिर तो जहीन भी हो गए। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो मर्द में तीन और औरत में चार? मर्द में तीन और औरत में चार है। क्या चीज है? खाने की चीज है या कोई? अरे जो भी व्हाटएवर जो भी जहन में आ रहा है बता दो। लेडीज के हम देख रहे हैं अच्छे अच्छे कुर्ते भी लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली से बात है आपको पता होना चाहिए। कपड़े। कपड़े औरत में तीन होते हैं, औरत में कपड़े होते हैं। औरत में कपड़े चार होते हैं तकरीबन है? और मर्द में कपड़े तीन होते हैं जी। यार मर्द में कपड़े तीन होते हैं और औरत में कपड़े चार होते हैं। मैंने चलो जोक ही मानना, तो इस तरीके से मान लेते हैं जोक पे। अच्छा चलो, पहला सवाल तो तुम्हारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा सवाल तुमसे ये करती हूँ कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? है नहीं। थी। थी, ब्रेकअप हो गया, क्या किया? क्लोजिंग कर। ये बताओ कि चलो पहले की बात करते हैं, नाराज हो जाती थी तो कैसे मनाते थे? वो तो मनाया था, तरी तरीके से मना रहे थे, मनाने की आदत खत्म कर। अच्छा अच्छा ये बताओ कि आगे गर्लफ्रेंड बनाओगे? अच्छा चलो दोबारा अपने सवाल की तरफ आते, तुम्हें नहीं आता मर्द में तीन औरत में चार, इस तरह के बादाम खाते हो? फिर पता चल गया, शादी। औरत में चार और मर्द में तीन, शादी, ये वाला सवाल नहीं आ रहा मुझे। चलो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं इंटेलिजेंट है? बिल्कुल हूँ तो। अच्छा मुझे ये बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है जो मर्द में तीन और औरत में चार है? यार ये तो आई डोंट नो। अरे ऐसे कैसे आई डोंट नो सोचें, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इतनी सारी चीज़ों में से तो पूछ रही हूँ, एक दो बता दें। अच्छा मर्द में तीन और औरत में चार, इंटेलिजेंट होती हैं औरतें, खूबसूरत होती हैं। तो मर्द किसी उसमें ही नहीं आ रहा? कभी नहीं, पहले औरतों का बताती हूँ ना, तो पहले औरतों का बताती हूँ, मर्दों को छोड़ो। अच्छा ठीक है, अच्छी होती हैं और इंटेलिजेंट होती हैं एंड और जीनियस होती हैं, ठीक है। फोर्थ वन अच्छी होती हैं, बस सारी जीनियस होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं, खूबसूरत होती हैं और फोर्थ अच्छी बहुत मोस्टली एजुकेटेड होती हैं। अच्छा और मर्द में क्या क्या होता है जी? मर्द में बहुत कम चीज़ें होती हैं, सबसे ज़्यादा जो कमी है ना वो बता देती हूँ, अकल की होती है, और बाकी उसके बाद क्या बचता है पता नहीं। मतलब कि ले ली। मतलब फनी आंसर देना है ना, तो मतलब कि हाँ बिल्कुल, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही अवॉइड। सीरियसली मुझे मर्दों में क्या क्या चीज़ें होती हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ मल्टीपल हो गए ना। हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, याद भी नहीं आ रहा,
इसलिए मुझे औरतों के बारे में ही पता है। औरतें खूबसूरत होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं, जीनियस होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं, और मर्द में एजुकेटेड भी मोस्टली एजुकेटेड भी होती हैं, और मर्द नकारा, मर्द में अक्ल नहीं है, और बाकी पता नहीं कहीं कुछ रह ही नहीं गया। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आकिब अली। आकिब, मुझे ये बताओ, ज़हीन हो? ये कौन सा सवाल है? ज़हीन हो, अल्लाह का एहसान। चलो अभी पता चल जाएगा। अच्छा ये बताओ, वो ऐसी कौन सी चीज है जो मर्द में तीन और औरत में चार है? ये मुझे पता था प्रैंक ही हो रहा है। इतने सही नहीं है। अरे प्रैंक नहीं हो रहा है, जवाब दो। मर्द में तीन और औरत में चार। औरत में चार कौन सा अल्फाबेट? ये इतना ज़हन तेज नहीं है, आई एम सॉरी, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। सोचे सोचे, आपने कहा कि आप बहुत ज़हीन हैं, शुरू में आपने कहा कि आप बहुत ज़हीन। वो तो हर कोई होता है अपने अपने हिसाब से। नहीं तो भाई, कोई तो जवाब देना, ये क्या बात? इसमें क्या जवाब दूं मैं? हाँ तो मर्द में तीन औरत में चार, इसमें गलत बात क्या है? बहुत सी चीजें हो सकती हैं, मैं इसमें क्या बोलूं? चलो उन बहुत सारी चीजों में से एक बता दो। कहा बता दिया। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश, रुक जाए, सोचने तो दे माइक को। अच्छा चलें चलें, सोचे सोचे। ऐसा क्या इसमें बोलूं मैं, क्या हो सकता है भाई, बताओ यार। जो भी जहन में आ रहा है बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मर्द में तीन और औरत में चार, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। कोई तो आ रहा होगा जहन में उल्टा सीधा। क्या बोलूं मैं, कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा कुछ जहन में नहीं आ सकता कि मर्द में तीन और औरत में चार, ऐसा तो कोई सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। लो भाई, आप भी बता दो क्या है ऐसी चीज। मुझे तो पता है ना, मैं तो बता दूंगी, मुझे तो आपसे पूछना है फायदा। बता दो, मैं क्या बताऊं? आपको पता है, आप बता दें, मुझे भी पता। रहने दे। अच्छा चले, ये बोल दें कि आप ज़हीन नहीं। ज़हीन नहीं है। हार मानी। चलो निकलो अभी। क्या नाम है? शेर खान। शेर खान भाई, नाम से ही तुम शेर हो, तो मुझे ये बताओ ज़हीन भी होगे? हाँ ज़हीन भी है। चलो अभी पता चलता है। मुझे ये बताओ कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मर्द में तीन और औरत में चार है? मर्द में तीन और औरत में चार, ये बड़ा खतरनाक सवाल है। सोचो सोचो, जोर डालो जहन पर। मर्द में तीन औरत में चार, बेइज्जती हो जाएगी तमाम मर्दों की अगर तुमने जवाब नहीं दिया। क्या हो गया? अरे कुछ तो आ रहा होगा, कोई उल्टा सीधा जवाब दे दो, कुछ भी दे दो। कुछ नहीं आ रहा, सवाल ही ऐसे हैं। अच्छा चलो एक बात बताओ, चलो इस सवाल को छोड़ो, तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं। क्यों? बस शौक ही नहीं रखती गर्लफ्रेंड। अच्छा चलो ये बताओ, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है और कभी तुम्हारी अगर गर्लफ्रेंड होती और वो नाराज हो जाती तो कैसे मनाते? वो नाराज होती तो उसको कोई कॉफी पिलाने के लिए चलते हैं रेस्टोरेंट वगैरह पे, कॉफी पिला लेती बस। हाँ, और ये सस्ते तरीके से, और उसको थोड़ा कुछ से कॉस्मेटिक की दुकान पे ले जाते, उसको मेकअप वगैरह शॉपिंग कराते। फिर ऐसी हरकतें ही ना करो ना कि वो नाराज हो, पागल। थैंक यू जी। नाज़रीन, तो आपने देखा यहाँ के आवाम के जवाब, किसी का क्या जवाब था तो किसी का क्या जवाब था, और लेडीज़ की तो क्या ही कहने हैं, उनके नज़र में तो मर्द की कोई इमेज ही नहीं है, बस कहती है कि उनमें अक्ल नहीं है, तो बाकी रही कुछ नहीं गया। खैर, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ेदार जवाब आया, उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और जाते जाते मैं आपको बताती चलूं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मर्द में तीन और औरत में चार है, तो जनाब इसका जवाब है अल्फाज, वर्ड, हर्फ, यानी कि लव्स जो हर्फ होते हैं वो मर्द में तीन होते हैं और औरत में चार होते हैं, तो इसका जवाब है ये। तो खैर, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा। मेरे प्रोग्राम के हवाले से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।